आज हम जिस नवीन वृक्ष को अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है अमलतास। प्रचलन में इसको संस्कृत साहित्य में शंपाक या राजवृक्ष कहा गया है और इसका लैटिन नाम कैशिया फिस्टुला और इंग्लिश में इसे पर्जिंग कैशिया कहते हैं। हमारे संपूर्ण भारत में ये मिलता है, केवल जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र उनको छोड़ करके सब जगह आसानी से उग जाता है और प्राप्त होता है। अमलतास के विषय में एक बात प्रसिद्ध है कि दादी माँ इसको बहुत अच्छी तरह पहचानती थी और घरेलू प्रयोग इसका होता था। हम इसके फूल का, फली का तथा छाल के प्रयोग में जो आप घर में कर सकें उस विषय में आज बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम अमलतास के फूलों के विषय में बातचीत करना चाहेंगे कि इसके बहुत सुंदर पीले फूल आते हैं और जब फूल खिलते हैं तो सारा वातावरण बहुत ही आनंदमय हो जाता है, इसलिए इसको शंपाक कहा गया है। हमारे यहाँ बहुत से पुष्पों के लेकर के उनका एक अवलेह के रूप में जिसको कि गुलकंद कहते हैं बनाया जाता है, जिसमें गुलाब का भी बनता है, उसमें और भी अन्य वस्तुओं का हम बना सकते हैं। जहाँ हम अमलतास का वर्णन करते हैं वहाँ इसके पुष्पों का गुलकंद बनाने का भी रिवाज है और दोनों ही पद्धतियों में, आयुर्वेद में भी और यूनानी में भी, और साथ साथ दादी माँ भी इसका प्रयोग करती थी। अर्थात जब पूर्णतः इसके ऊपर बहुतायत में फूल लगते हैं, बहुत सुंदर पीले फूल आते हैं, उनको हम यथा समय निकाल करके और छाया में सुखा लें और जितनी उसकी मात्रा है उसी के समान भाग हम उसमें खांड मिला करके और एक कांच के बर्तन में रख करके धूप में रख दें। अब ये क्या क्या करेगा, देखिए बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एक तो ये कब्ज नहीं होने देगा, नंबर दो ये शरीर को शीतलता प्रदान करेगा। अर्थात गर्मियों के दिनों में अगर हम इसको लेते रहेंगे तो हमें गर्मी का उतना दुष्प्रभाव नहीं होगा। जिन लोगों को अधिक पसीना आता है, शरीर हथेली पसीना छोड़ते रहते हैं पानी और शरीर गर्म बना रहता है, बेचैनी होती है, तो उनको इस गुलकंद का प्रयोग 2 से 5 ग्राम की मात्रा में 2 बार यदि करते रहेंगे निरंतर 2-3 महीने भी कर लें, कोई हानि की संभावना नहीं है, तो उनका जो गर्मी का समय बड़े आराम से बीत जाएगा। अन्यथा बहुत से लोगों को इतनी गर्मी मालूम देती है कि उनको बेचैनी हो जाती है और इसी अवस्था को हम कहेंगे ये पित्त का शमन, जो बढ़े हुए पित्त का शमन भी करता है। और जैसा कि मैंने कहा, बड़े और छोटे, वृद्ध, साथ साथ ही जो महिलाएं गर्भिणी हैं जिनको हम तेज यानी सनाए वगैरह नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते, या हम तीक्ष्ण दवाएं हैं जो वो नहीं देना चाहते, तो उनके लिए भी ये सर्वोत्तम रेचक द्रव्य है। रेचक का मतलब जो गला करके जो चिपके हुए मलों को निकाल करके बाहर कर दे, गर्म पानी के साथ अक्सर इसका प्रयोग करने में लाभ मिलता है। बहुत से लोग दूध से भी लेते हैं सोते समय, वो भी गुलकंद का एक अच्छा प्रयोग है और उससे कोष्ठबद्धता यानी कब्ज तो दूर होगा ही, साथ साथ शरीर में भी उसका स्वास्थ्य बना रहेगा। इसके पश्चात हम महत्वपूर्ण भाग है इसकी फली। ये फली की पहचान ये है कि जब आरंभ में फूलों के परिपक्व होने के बाद जब फली निकलती है तो वो हरे रंग की होती है, कुछ समय बाद जब वो बढ़ती है तो उसका रंग धीरे धीरे काला हो जाता है। और एक इसकी पहचान भी लिखी गई है कि चतुरंगुल, अर्थात जो 2 गांठें हैं उसके बीच में 4 अंगुल का अंतर होता है। तो ये प्राचीनों ने पहचान करने की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आजकल की टैक्सोनॉमी के अनुसार उन्होंने अपने अपने नाम रख लिए थे और वही उसके नाम वनस्पति के पर्याय में काम आते हैं। फली का बहुत उपयोग होता है और बहुत सारे रोगों में उपयोग होता है, क्योंकि इसकी जो फली है वो उसके अंदर जो गूदा बनता है वो बहुत ही मुलायम और थोड़ा सा रसीला होता है,
उसका स्वाद मधुर होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बीज लगे होते हैं। तो जब परिपक्व फली हो जाती है तो उसको कहते हैं कि उसको सुखा करके और अपने संग्रह में रख लेना चाहिए। दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि किस तरह से अपनी पोटली में वो इसको संजोर करके रखती थी। और जिन बच्चों को, अक्सर बच्चों में क्या होता है, कोष्ठबद्धता हो जाती है, कई बार पानी कम पी पाते हैं, कई बार वो ऐसे खा लेते हैं, तो उससे जो कब्ज होता था उसमें थोड़ा सा निकाला, लगभग 2-2.5 ग्राम की मात्रा में, जिसे कहेंगे 1/4 चम्मच, और पानी, गर्म पानी में घोला और पिला दिया। बच्चे उसको आराम से इसलिए पी लेते थे कि वो कड़वा नहीं होता था, होता है, मीठा होता है। तो उसको जो बना करके रख भी लेते थे। दादी माँ की घुट्टी, जो नाम आया है, उसमें सर्वाधिक प्रयोग जो है वो अमलतास की फली के गुदे का है। अन्य औषधियाँ आवश्यकता अनुसार डाली जाती हैं, जैसे सौंफ का चूरा डाल देते हैं उसमें, ऐसे हमें उसमें थोड़ा सा एक जो हरड़ का चूरा थोड़ा सा मिला देते हैं, परंतु मुख्य द्रव्य ये उसका जो गुदा है वही होता है। उसके बहुत से स्थानों पर इन सबको कूटते हैं और कूट करके उस गुदे में मिला करके और उसको धूप में सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद उसकी गोली बना करके भी रख लेते हैं। जब आवश्यकता हो तो उसको गर्म पानी में घोल करके और पिला दिया जाता है। अब समय बचाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि पूरे साल उपलब्ध न होने के कारण, या समय पर उपलब्ध न होने के कारण, दादी माँ ने क्या किया कि उसको गुड़ में या खांड में मिला करके उसका एक हल्का सा लेप, आलेप, या जिसे क्या कहेंगे सामान्य भाषा में, अवलेह टाइप का, चाटने जैसा लेह कहेंगे आयुर्वेद में, ऐसा बना करके और बर्तनों में रख लिया जाता है और उसका साल भर प्रयोग फिर करते हैं। एक विशेष बात यह है कि जैसे हृदय रोगी है जिसको हम तीक्ष्ण औषधि नहीं दे सकते, और इसी प्रकार से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और जो गर्भिणी है जिनको हम तीक्ष्ण औषधियाँ नहीं देना चाहते, तो उनके लिए सर्वोत्तम रेचन का कार्य करता है, अर्थात बिना किसी और अंग के ऊपर दुष्प्रभाव डाले ये मल को आसानी से निकाल देता है। तो इसलिए इसको बहुतायत में दादी माँ तो प्रयोग करती है, अन्य जो लोग प्रचलित चिकित्सा करने वाले लोग हैं वो भी करते हैं, और साथ में आयुर्वेद में भी बहुत से औषधियों में इसको डाला जाता है, अकेला प्रयोग भी कराया जाता है और साथ साथ अन्य औषधियों के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं। एक जो बहुत प्रचलित है उसमें त्रिफला, त्रिकटु और अमलतास के गुदा समान, यानी अगर मान लो 30 ग्राम त्रिफला है तो 30 ही ग्राम उसमें त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च, पिपली ले लेते हैं, और उन सब के समान भाग ये अमलतास का गुदा लेकर के उसको कूट पीस करके और सूखा करके एक चूर्ण बना करके घर में रख लिया जाता है। ये घरेलू नुस्खा बहुत सारे रोगों में काम आता है। ये मनुष्य के पाचन को ठीक रखता है, कब्ज नहीं होने देता, इसके अलावा जो हृदय रोगी हैं, महिलाएं हैं, उन सबको इसको निरापद रूप में गर्म पानी के साथ दिया जा सकता है, कोई हानि होने की संभावना नहीं है। क्योंकि हमने ये माना है कि जो पाचक अग्नि है अगर वो ठीक है तो कोई रोग आपके पास नहीं आएगा। साफ लिखा है, जाठरे नाग्नि दौर्बल्यात् अविपक्वतु यो रस स आम संग को देहे सर्व दोष प्रकोपन। इसका अर्थ ये हुआ कि जब जठरग्नि या पाचक अग्नि मंद हो जाएगी तो जो परिपक्व रस है वो नहीं बन पाता, जो शरीर की पुष्टि करता है, उसमें उसको हम कहते हैं आम दोष, यानी अपक्व रह जाता है। अपक्व का मतलब, जैसे हमें प्रोटीन हमने ज़्यादा खाई तो जाकर के अमीनो एसिड में बनेगी, बदलेगी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो पाचन ठीक न होने से जो एंजाइम या जो वो चाहिए वो न मिलने से उसके बीच के तत्व बनने लगते हैं, जैसे अमीनो एसिड की जगह एमाइड यानी यूरिया बनना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। ये सारा पाचन संस्थान के दौर्बल्य के कारण है।
तो वो फिर वो निरंतर अन्य रोग पैदा होंगे। तो आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सभी को ध्यान रखना चाहिए और उसी काम में अमलतास मदद करता है। अर्थात ये जो बीच के जो कार्यकारी जो सॉरी विषैले तत्व हैं उनको बनने से रोकेगा रोकता है। तो हमने कहा कि हृदय रोगियों को और जिनको गुर्दे की समस्या हो, जिनको प्रोस्टेट की समस्या हो और जिनको निरंतर कब्ज रहता हो, जिनका आहार इस तरह का हो कि वो तली हुई चीज़ें ही खाते हैं और जो आलू जैसी चीज़ें हैं चावल जो जल्दी से हजम नहीं होते, तो उस अवस्था में अगर किसी को कब्ज है तो हम निरंतर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अमलतास का कोई हानि की संभावना नहीं है। हम ये कहते हैं कि प्रकृति ने जो दिया है उसके विभिन्न भागों का प्रयोग हम कैसे करें। देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जिनको अगर किसी ने धोखे से कोई विषैली वस्तु खा ली है या पॉइजन चला गया शरीर में या कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस अवस्था में हम तत्काल उल्टी कराते हैं। तो 5-6 बीज कहा गया है कि उनको फटाफट चूर्ण बना लें और गर्म पानी में ला करके और रोगी को पिला दें। थोड़ी देर में वमन आरंभ या उल्टी आरंभ हो जाएगी तथा जो भी अंदर विष गया है वो बाहर निकल जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण पूर्ण प्रयोग उन अवस्थाओं में है कि जहाँ फूड पॉइजनिंग हो जाए या कोई किसी ने जानबूझ करके या अनजाने में कोई विषैली वस्तु खा ली हो, तो सबसे पहला जो हम उसकी चिकित्सा करते हैं उसमें उल्टी करा करके हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा इसमें ही चिकित्सा में कहा गया है कि इसकी जो छाल है वो तीव्र विरेचक होती है, तो इसकी छाल का चूर्ण बना करके, देखिए ये उस समय लिखे गए हैं ये ग्रंथ जब मनुष्य चारों तरफ वनों में रहता था, वृक्षों की बहुतायत थी, तो उसको तत्काल वो वस्तु उपलब्ध हो जाती थी। तो क्या करते हैं, उसकी छाल उतारी और उसको कूट पीस करके फटाफट उसको खिला दिया, तो उससे जो वमन के द्वारा तो कुछ विष निकल गया और कुछ अतिसार यानी तीव्र विरेचक इसे कहेंगे कि तेज दस्त ला करके उसको ये शरीर में तब तक वो शोषित हो उससे पहले ही उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अगर जैसा हमारे यहाँ आयुर्वेद में विष चिकित्सा का प्रयोग है और ये जो सामान्यतः दादी माँ या जो बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो इन प्रयोगों को करते हैं, तो विष की अवस्था में तत्काल उसको 5-6 बीज का चूर्ण बना करके खिला दिया जाए, वो मन हो जाएगा, वो निकल जाएगा और साथ साथ उसके पश्चात उसके छाल का चूर्ण लगभग 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ देने से वो उसको दस्त भी शुरू हो जाएंगे और तीव्र विरेचन यानी तीव्र दस्त आ करके वो विष शरीर से निकल जाएगा। उसके बाद चिकित्सक की सलाह से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन हम ये प्राथमिक चिकित्सा अपने स्तर पर कर सकते हैं, ये कोई हानि इससे होने की संभावना नहीं है। इतना जरूर है कि जब व्यक्ति लंबे समय हो जाए अगर जहर लेने के बाद तो उसको फिर मूर्छा हो जाती है, तो उस समय में ये चिकित्साएँ नहीं करनी चाहिए, तत्काल उसको चिकित्सा ले जाना चाहिए और चिकित्सक की सलाह से उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में पंचकर्म के द्वारा हम शरीर का शोधन करते हैं और डिटॉक्स करते हैं, यानी बॉडी में जो पॉइजन बनते रहते हैं, अभी मैंने कहा था आम दोष जो बनता है उसके द्वारा वो एकत्र होते रहते हैं और फिर वो अपना दुष्प्रभाव करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि कभी कभी हम 3 महीने या 6 महीने बाद इन वनस्पतियों का प्रयोग कर लें तो ये निश्चित बात है कि वो विष शरीर में जमा या एकत्र नहीं हो पाएंगे। इसमें हम जैसे अभी आपने देखा कि वमन कराने का उल्टी कराना, जब हमारे शरीर में कफ अधिक बढ़ जाता है तो पंचकर्म में हम वमन कराने के लिए कहते हैं, यानी उल्टी करा करके कफ को निकालते हैं। तो उस अवस्था में हम ये जिसे कहेंगे कि हम बिना चिकित्सालय में भर्ती हुए और अपने घर पे भी इसके द्वारा 5-6 बीजों को कूट करके और गर्म पानी से ले लें तो वमन होकर के हमारा कफ समन हो जाएगा और जो खांसी वगैरह और जो होती हैं और जो जो बाद में दमा बन जाता है उससे हम बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम इसके छाल का चूर्ण समय समय पर ले करके कोष शुद्धि करते रहें तो उससे भी क्या होगा कि जो मल पाचन संस्थान में जमा होकर के और विभिन्न रोगों को पैदा करते हैं वो भी उनका निष्कासन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पंचकर्म का एक छोटा स्वरूप इसको आदमी अपने आप कर सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए।
क्योंकि कई बार प्रकृति के अनुसार भी वनस्पतियों का कम ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। यदि कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको आसानी से दस्त या अतिसार नहीं होगा, उसको तीव्र औषधि देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर में रुक्षता होने के कारण या खुश्की होने के कारण उसके मलों का जमाव अधिक हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम उसको विभिन्न प्रकार के जो अन्य प्रयोग करते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि पित्त की अवस्था में हम विरेचन कराते हैं, अर्थात यदि शरीर में पित्त बढ़ जाए, पित्त बढ़ने की पहचान यही है कि शरीर में गर्मी रहती है, आदमी को चक्कर आते हैं और उसका जो तापक्रम भी औरों की तुलना में बढ़ा रहता है। हालांकि टेम्परेचर तो तभी होता है कि जब वो आगे बढ़ जाए नॉर्मल से, परंतु उसका शरीर हायर साइड में हमेशा रहता है, अर्थात उष्णता उसके व्यक्ति के शरीर में बनी रहती है, तो उसको ठंडा पानी पीना चाहिए। साथ साथ ये जो विरेचन गुण है ना, इसका जो समय से तीक्ष्ण विरेचन, ऐसी औषधियों का प्रयोग करके पित्त को निकालने में भी लाभ मिलता है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार हम पित्त को, कफ को तो निकालते ही हैं, पित्त को भी वमन के द्वारा निकाल लेते हैं और साथ साथ विरेचन के द्वारा हम उसको नीचे मलद्वार से भी बाहर निकाल देते हैं, तो उससे हमारी कोष शुद्धि हो जाती है और जो पित्त का बढ़ा हुआ जो उसका प्रभाव है, जो कि खट्टे डकार या जलन या मुंह से पानी आने के रूप में दिखते हैं, वो भी नहीं होंगे। इन अवस्थाओं से बचने का यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं इससे सीखें, इनको नोट करें, और अगर कोई प्रश्न है तो हम तत्पर हैं आपको बताने के लिए, इनका प्रयोग करके आप लाभान्वित हों, हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद।